खबर आगरा से, जहां पर आंधी तूफान की खबर है। इस बीच में आगरा से खबर, तस्वीरें आप देख रहे हैं कि किस तरीके से वहां पर आंधी और तूफान आए, जिसके बाद में काफी ज्यादा नुकसान हुआ। जानहानि पर सीएम योगी ने शोक जताया। मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मदद देने का ऐलान भी किया। प्रभावितों को तत्काल राहत पहुंचाने की बात भी कही है। दरअसल इस खतरनाक आंधी और तूफान की वजह से 3 लोगों की मौतें हुई हैं। 10 लोग बुरी तरीके से घायल हैं, बुरी तरीके से जख्मी हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और ऐसे में इन मुश्किलों को लेकर के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए, मदद पहुंचाने के लिए, सांत्वना देने के लिए 4-4 लाख रुपयों की धनराशि भी देने का ऐलान किया है। दरअसल रात में आंधी और तूफान की वजह से आगरा के कुछ इलाकों में जिस तरीके से वहां पर तबाही हुई, उसकी ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बुरी तरीके से आंधी और तूफान में पेड़ उखड़ गए, घर गिर गए, दीवारें गिर गई, और जिस चपेट में आने के बाद में 3 लोगों की जिंदगियां खत्म हो गई। 10 घायलों का इलाज इस वक्त चल रहा है। कुछ ऐसे हैं जिनको ज़्यादा चोटें आई हैं, जो कि इस वक्त काफ़ी नाजुक हालत में बताए जा रहे हैं। और इन तमाम चीज़ों को देखते हुए, इन तमाम चीज़ों पर संज्ञान लेते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब ऐसे लोगों के परिजनों को 4-4 लाख रुपये राहत देने का, मुआवजा देने का उनके परिजनों को ऐलान किया है। नरेंद्र यादव हमारे सहयोगी फोनलाइन के जरिए हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। नरेंद्र, खतरनाक तरीके से आंधी और तूफान ने 4-4 लाख रुपयों का मुआवजा, कितना नुकसान हुआ आगरा के अंदर, और अब जो ऐलान किया गया है ये राशि, ये रकम उन तक कब तक पहुंचनी है? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस आंधी तूफान में जो मृतक हैं उनके परिजनों को सांत्वना भेजी है, उन्होंने सांत्वना दी है, साथ ही राहत और बचाव कार्य तेजी से करने के निर्देश दिए हैं। और जो मुख्यमंत्री राहत कोष से सहायता दी जाती है वो 4-4 लाख रुपए इनके परिजनों को देने की बात कही है। जिलाधिकारी आगरा ये सहायता राशि आज दोपहर या शाम तक जरूर दे देंगे, क्योंकि जिलाधिकारी कोष से वो पैसा देना रहता है। मुख्यमंत्री जब ऐलान करते हैं तो सहायता राशि दी जाती है। साथ ही जो कैजुअल्टियां हुई हैं उनके प्रति मुख्यमंत्री ने संवेदना व्यक्त की है, और जो हानि हुई है उसके लिए उन्होंने कहा है कि त्वरित कार्रवाई की जाए, बचाव कार्य तेजी से किया जाए और ज्यादा नुकसान न होने पाए, और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई के लिए भी काम करने की बात की है। तो जिला प्रशासन को निर्देश दिया जा चुका है कि राहत और बचाव कार्य तेजी से किया जाए, और साथ ही जो मृतक के परिजन हैं उनको सहायता राशि दिया जाए, और जो लोग हैं उनकी मदद में प्रशासन सामने आए। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नरेंद्र इन तमाम जानकारी के लिए।